वालेकुम, दिस इज़ राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरा ज़ीशान। हम आपको वेलकम करते हैं जोर के जोर में। एक्साइटमेंट से तो आ गए हैं लेकिन मेरा मैच तो हुआ ही नहीं। समझ नहीं आ रही हुआ ही नहीं, बारिश की नज़र हो गया मैच पे से। शो तो स्टार्ट कर लिया, समझ नहीं आ रही बोले क्या बोले क्या क्योंकि मैच तो हुआ ही नहीं भाई। हाँ, हम वेट कर रहे थे मैच होगा, आज मैच पे बात करेंगे जी, फिर से देखेंगे क्या परफॉर्मेंस हुई है, क्या टॉस कौन जीता है, क्या बात करेंगे, लेकिन मैच ही नहीं हुआ, बारिश की नज़र हो गई। और शायद कल भी यही चांसेस हैं कि पिंडी में बारिश के इम्कानात हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा क्या कहेंगी, क्या तासुरात है? हम तो इसी उम्मीद से बैठे थे कि आज भाई मैच पे बात करनी है। भाई मेरे साथ कुछ देर पहले एक महापुरुष मौजूद थे जिन्होंने मुझे ये कहा कि शुक्र करें कि मैच वाइट वॉश होने से बच गया है। मैंने उन महापुरुष से ये कहा कि आप क्या महापुरुषी दिखा रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी अब हम ये सोचकर खुश होंगे कि हम वाइट वॉश से बच गए, मतलब ये हाल है पाकिस्तानी क्रिकेट का, तो क्यों ना हम उन महापुरुष से मुलाकात करवाते हैं हमारे व्यूअर्स की। तो नाज़रीन हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इमरान सुहेल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, जिस तरह से आपका नाम इमरान है ना, इस तरह हमें एक और इमरान ने भी अभी कॉल पर ज्वाइन किया है, हाफिज़ मोहम्मद इमरान। नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब क्या महसूस हो रहा है, मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना छतरियां लेके हम सब बाहर निकल जाएं और पकोड़े समोसे खाएं। पकोड़े समोसे जलेबियां गुलाब जामुन। वैसे हाफिज साहब अगर आप चंद कदम और चलकर सेट के अंदर आ जाते, हमारे सामने बैठे होते, मैं ज्यादा अच्छा महसूस होता। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ आप भी दबाता हूँ। हाफिज साहब हमारे साथ कॉल पर ही रही है, इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद है और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान वाइट वॉश होने से बच गया है, शुक्र अदा करें। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, मेरे अंदर का पाकिस्तानी जाग गया कि ऐसी क्या बात है कि हम मतलब अब बांग्लादेश के खिलाफ भी खुश होंगे। इमरान साहब क्यों ऐसा है कि हम मतलब देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बात यह है कि बचने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बुनियादी तौर पर जो ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान ने ये समझा कि शायद ये तौर पर पाकिस्तान टीम की वजह से हुआ है, हालांकि उसमें भी मौसम का बहुत अमल दखल था, एक आध जो अपसेट था उसका बड़ा अमल दखल था, तो उससे फर्क पड़ता नहीं है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की क्वालिटी इस हद तक ठीक होती 2022 में भी, इवन या आपका निजाम ठीक तरीके से काम कर रहा होता तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 2022 में एक टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हो और 2024 में वो टीम पहले ही राउंड में यूएसए से हार के बाहर हो जाए। गैर मुतवक्के और गैर मामूली नतायज आते हैं, लेकिन जो अच्छी टीमें होती हैं जिनका सिलेक्शन का प्रोसेस ठीक होता है, जिनका निजाम ठीक तरीके से काम कर रहा होता है, कि वो फिर अगले टूर्नामेंट में उसका जवाब देते हैं। आप देख लें, सबके सामने है मिसाल, इंग्लैंड की मिसाल को आप देख लें कि उन्होंने 15 का वर्ल्ड कप हारा, 19 का जीत गए और फिर 22 का आप देखें कि उन्होंने T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत। बिल्कुल, तो ये चीजें आपके सामने है, इसलिए अगर बारिश पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में या दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से तवक्को की जा रही है कि मौसम खासा मुतासर कर सकता है मैच को, तो उससे तो हकीकत छुप नहीं जाएगी। हकीकत तो अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस में, जो कि 3 सीजन होने को आए हैं, 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तानों पर खेल लिए हैं, लेकिन ताहाल पाकिस्तान किसी फतह के इंतजार में है। आप ये देखें कि इस दौरान में बांग्लादेश ने भी अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीते। अच्छा हाफिज साहब, जब पहला टेस्ट मैच हुआ था तब भी हमने यही बात की थी क्योंकि बारिश की वजह से मैच डिले हुआ था कहीं ना कहीं, और अब जब दूसरा मैच स्टार्ट हुआ है, दूसरी टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, तब भी मतलब बारिश की वजह से मैच जो है वो डिले हुआ है, तो हमने ये पहले क्यों नहीं डिसाइड किया कि हमें मैचेस कहीं और शिफ्ट करने चाहिए थे, हम मुल्तान क्यों नहीं शिफ्ट हुए? देखिए, सीजन प्लान करने की बात है, ये पर मसला जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोगों की अपनी समझ बूझ और उसकी विजन का है कि आपकी सोच में किस वसत है, आप किन किन पहलुओं के ऊपर आप जायजा लेते हैं और फिर आप है। सीजन अभी पाकिस्तान का शुरू नहीं हुआ, अभी जो शुरू नहीं हुआ और फर्स्ट सीजन हो गया।
हाफिज साहब आपकी आवाज भी बारिश की नजर होती नजर आ रही है क्योंकि सिग्नल्स का बहुत ज्यादा इशू है, हमें हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि लाहौर में भी मौसम ऐसा ही है। लाहौर में भी बारिश हो रही है। यही सवाल इमरान साहब से करते हैं। इमरान साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपको कहीं ना कहीं शक था कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में भी हार जाएगा, इसीलिए आपने ये बात की कि वाइट वॉश होने से बच गया है, ऐसी क्या रीजन थी? तो चेंज भी आया, शाहीन को ड्रॉप किया, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन जो इब्राद की शमूलियत थी वो तो एक प्लस पॉइंट था, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमेशा से ही हमें ये कभी यकीन नहीं रहा कि हम जीत जाएंगे, हमें ये यकीन ज़रूर रहा कि यार हार ना जाए। ये यकीन हमें आज तक समझ नहीं आई जब से क्रिकेट के बुरे हालात हुए और ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, क्रिकेट का डे बाई डे नीचे आ रहा है। पाकिस्तान अगर इस मैच को पूरा होता, अगर हम देखते, अगर आज बारिश ना होती तो शायद मुझे लगता है कि जिन दावों के ऊपर हम ये बात कर रहे थे कि इब्रार को खिला लेना चाहिए था पहला मैच और शायद वो कोई अच्छा रिजल्ट दे देता, लेकिन जब टीम मुत्तहिद ना हो और टीम के अंदर कॉम्बिनेशन उस तरह का बना हो कि हर किसी को अपनी पड़ी हो कि मैं परफॉर्म कर दूँ, टीम भाड़ में जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपकी टीम में सिर्फ सर्वाइवल अपनी जात की हद तक तो चलती रहती है लेकिन टीम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा होता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम बहुत जल्द जो है वो इस पोजीशन में आ जाए। हाफिज साहब ये बात कर रहे थे 9 टेस्ट मैच हार गए, 10वां भी हार जाते तो शायद ये भी आपके लिए एक रिकॉर्ड होता कि आप अभी तक इतने मैच कंसेक्यूटिव हारे नहीं हैं। तो बांग्लादेश की टीम इस अच्छा एक और मेरे जहन में चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान ये चार दिन में भी फैसला हो सकता है अगर 4 दिन पूरे हो जाएं। तो अगर 4 दिन में फैसला होने वाली बात हुई तो फिर पाकिस्तान के हक में ये बात होगी, क्योंकि मैंने माजी में अक्सर देखा है कि पाकिस्तान अगर स्पिनर्स अटैक करते हैं और सलमान अली आगा को बाहर बैठा कर और कामरान गुलाम को और इब्रार को खिलाया जाता है तो शायद, और फिर मीर हमज़ा शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर खेलेंगे तो कोई डिफरेंट रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी पिछले काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि उस तरह से बॉल उनकी फॉर्म में नहीं है वो, और टेस्ट मैच में भी देखा कि ऑलमोस्ट 500 बॉलों के बाद उन्होंने विकेट हासिल की है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तानी टीम इस प्रेशर से बाहर नहीं आ पाएगी जब तक हमें बैकअप नहीं मिलेगा। मोहसिन नकी साहब कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप नहीं है, 100 बंदों का, मैं कहता हूँ पूल नहीं है हमारे पास, हमने बनाया ही नहीं, जब हम तक पूल नहीं बनाएंगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे। लेकिन इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं अगर देखूँ तो अब शाहीन के अलावा और कौन परफॉर्म कर रहा है? कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप में अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा विकेट शाहीन की ही थी, अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को तो हम मतलब इब्रार को तो हमने कहा ही नहीं ना कि आप खेलें, तो कोई भी नहीं खेल रहा। बैटिंग में आप देख लें कोई भी नहीं खेल रहा। मैंने इब्तिदा में यही कहा ना कि सेल्फ परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन क्या शाहीन की, अब मैं पहले की बात नहीं कर रहा, पहले शाहीन ने बहुत मैचेस जीते हैं, लेकिन शाहीन की परफॉर्मेंस से अब टीम जीत नहीं रही है। क्या आप कोई इवेंट जीत रहे हैं? एक दो मैचेस जीतने का ये मकसद नहीं है। शाहीन की अपनी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी परफॉर्म करना है। टीम में 11 लोग खेलते हैं अकेले। शाहीन ने क्या ठेका उठाया है कि वही आउट होता है? और अगर आपने सिर्फ शाहीन को ड्रॉप किया है परफॉर्मेंस की बेस पर, आप उनकी एक ज़ाती मसरूफियत को इसके साथ अगर शामिल कर रहे हैं, तो फिर बाबर आजम को क्यों ड्रॉप नहीं कर रहे हैं? बाबर आजम भी डक मुसलसल उनको हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स को ड्रॉप करना कोई मसला ही नहीं है। कभी आप उनको जाती मसरूफियात की भेंट चढ़ा देते हैं और कभी कहते हैं ये इंजर्ड है। पाकिस्तान में प्लेयर का इंजर्ड होना और जाती मसरूफियात के बाद बाहर होना ये कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे मेरे भी ब्लड टेस्ट करवा लें तो पीसीबी वाले कहेंगे ये बंदा बोलने के काबिल नहीं है, इसका लिवर फैटी है, इसका दिमाग खराब है, तो जनाब ये इसकी सारी बातें खराब है। तो ऐसे प्लेयर के साथ होता है, अच्छा भला प्लेयर होगा उसके टेस्ट करवाएंगे और कहेंगे इसको इन्फेक्शन है, इसको फीवर है, ये खेल नहीं सकता। ये बड़ा आसान है पाकिस्तान टीम से निकालना। मैंने माजी में जूनियर लेवल पर और सीनियर लेवल पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को इंजरी की बिना पर बाहर होते हुए देखा है, क्योंकि जब एक प्लेयर परफॉर्म करके टीम में आया होता है तो जब आप उसको निकालेंगे तो लोग आपको पूछेंगे भाई इन्हू क्यों कड़े, तो आप कहेंगे यार ये अनफिट है। तो अनफिट होने के लिए क्या आपसे, मैं तो नहीं जाके पूछूंगा दिखाएं इसकी रिपोर्ट कहाँ है, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है प्लेयर्स के लिए। अच्छा इमरान, हम काफी दिनों से ये बात तो कर रहे हैं कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जैसे अभी मीरब ने बात की, किसके परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है? किसी के भी नहीं। बाबर आजम कॉन्स्टेंटली 8 टाइम्स टेस्ट मैच में 0 पर आउट हुए हैं, तो इससे उनके लीडरशिप स्किल्स पर ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आता है, कैसे वो इंटरनेशनली हम आगे उनको देख सकते हैं, कैप्टनसी के हवाले से अगर बात करें या ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसलिए उनका रेटिंग भी उनकी कम आई है, गिरी है, तो क्या कहेंगे आप?
मेरा ख्याल है कि अब अगर बाबर को इस सीरीज़ में आखिरी ये चांस है उनके पास, अगर वो परफॉर्म नहीं करते ना, तो मेरा उनको रेस्ट खुद ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आप किसी की जगह ब्लॉक करके बैठे हुए हैं. आप इसलिए ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि आप किंग हैं, तो किंग तो फिर खुद ब खुद भी इस्तीफा दे देते हैं, खुद अपना तख्ता छोड़ के नीचे आ जाना भाई, पहले किसी और जानशीन को ऊपर लेकर आए. जो केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ी है वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड के कैप्टन, एक अच्छे प्लेयर है. अच्छा, बाबर को अक्सर हमने सुना है और बहुत सारे उनके हामियों को भी सुना है कि जी वो जिस प्लेयर को टीम में नहीं रखना चाहते, कहते हैं इसकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस क्या है. तो मैं ज़ाती तौर पर आज बाबर को ये मशवरा दूंगा, लोगों को बहुत बुरा लगेगी ये बात, कि जनाब आप स्टेप डाउन करें, और ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट छोड़ दें, आप स्टेप डाउन करें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं और जाकर प्रूव करें, जिस तरह आप दुनिया को कहते हैं ना कि जी आप पहले डोमेस्टिक में, जैसे आपने उमर अकमल को निकाला, आपने अहमद शहजाद को निकाला, और आपने कहा जी डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, और अगर आप परफॉर्मेंस शो करते हैं तो हम आपको टीम के लिए कंसिडर करेंगे. तो सिलेक्टर सोए हुए हैं क्या? सिर्फ बड़े बड़े नामों की बिना पर टीम में नहीं होना चाहिए. अगर आप बड़े बड़े नाम टीम में रखेंगे और वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर माजरत के साथ आपकी टीम का जो डाउनफॉल है वो कभी भी नहीं रुकेगा. लेकिन इमरान, जब एक मिसाल ही ये सेट है कि डोमेस्टिक में जाने वाले किसी भी प्लेयर को आगे मौका मिलता ही नहीं है, तो फिर क्यों कोई डोमेस्टिक में जाना पसंद करेगा? देखिए, जो जो इंतजार कर रहे हैं की बात की आपने, अहमद शहजाद की बात की, सरफराज अहमद को आप देख लें. देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस पे डाउनफॉल आ गया ना, तो फिर आप के पीछे जो बैठा इंतजार कर रहा है ना शख्स, अगर हुरैरा की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि उसे खिलाना चाहिए, उसने बड़ा परफॉर्म किया, तो फिर खिलाएं उसको, उसका भी देख लें कि उसमें कितना टैलेंट है, क्या वो इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता है. आपने छोटी क्रिकेट में उसे खिलाया है, वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, और हमने माजी में बहुत दफ़ा देखा है. आप खुर्रम शहजाद की बात कर लें, आप मोहम्मद अली की बात कर लें, जैसे ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया गया तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही. डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और ए टीमों के खिलाफ खेलना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. तो बाबर आजम को उनके फ़ैन चाहे गुस्सा करें, उनके चाहने वाले चाहे गुस्सा करें, भाईजान आप जाएं और आप फर्स्ट क्लास खेलें, और वहाँ पर जाकर आप कोई 500-600 करें और बताएं कि आपके बल्ले के ऊपर बॉल लग रहा है. और जैसा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का है वो बहुत क्वालिटी स्ट्रक्चर बन रहा है, और अरबों रुपए आप उसके ऊपर अब लगाने जा रहे हैं, और आपने मेंटोर भी करोड़ों रुपए वाले रख लिए हैं, तो बाबर आजम की भी एक टीम का कप्तान बना दें. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बाबर आजम की टीम जिसके वो कैप्टन बनेंगे क्या वो जीतेगी, क्या बाबर परफॉर्म करेंगे. अगर बाबर परफॉर्म करेंगे तो बाबर को दोबारा से टीम में ले आएं, और जो उन 5 टीमों में परफॉर्म करेंगे उनको भी इनके साथ रखें, कंपैरिजन करें कि कौन बेहतर उन्हें खिलाएं. बहुत सारे लोग 10,000 रन करने के बाद भी फ्लॉप हो जाते हैं, उनका करियर खत्म हो जाता है. मुझे लगता है कि बाबर का करियर इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, चाहे वाकई बहुत बड़ी स्टेटमेंट बहुत लोग मुझे तनकीद का निशाना जरूर बनाएंगे, लेकिन इनका करियर जिस तरह की ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से इन्हें पॉइंट आउट कर लिया गया इन स्विंग बॉलिंग के ऊपर, अगर ये काम नहीं करेंगे तो माजद के साथ अगर आप 10-20 इनिंग्स के बाद 150 करेंगे तो किसी खाते में नहीं आएगा. आपको लोग बातें करेंगे और आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और आपके चाहने वालों को भी ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. इमरान, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज़ टू अर्ली टू से कि बाबर आजम का जो करियर है अख्ताम की तरफ है. इसी के साथ हाफिज इमरान ने हमें दोबारा ज्वाइन किया. जी हाफिज साहब, आप हमारे साथ हैं आप? जी हाफिज साहब, इमरान सोहेल साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम का जो करियर है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के अंदर? तो मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि वो 8 टाइम्स कॉन्स्टेंटली टेस्ट मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं, तो उनसे इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर ऑब्वियसली बैटिंग में उनकी एवरेज गिरी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की, अभी कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी और गुज़िश्ता कई रोज से, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बेहतरीन बैट्समैन माने जाते हैं. उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं है जो कि होना चाहिए और जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, और जिस तरीके से गुज़िश्ता 8-10-12 अगर टेस्ट मैचेस की भी बात करते हैं तो उसमें भी उनकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं है जो लोग उनसे तवक्को करते हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मसला नहीं है कि उनकी ज़ाती कारकर्दगी खराब हुई है, इसके बहुत सारी और वजूहात हैं. जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट चलाई जा रही है गुज़िश्ता 2-3 बरसों से और जो तब्दीलियां उस दौरान हुई हैं, उसने भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर खासा बुरा असर उसकी वजह से भी पड़ा है. और इसमें सिर्फ बाबर ही नहीं है, इसमें सारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उन सब की कारकर्दगी सवालिया निशान है. शाहीन आफरीदी ड्रॉप हुए हैं पहले टेस्ट मैच के बाद, तो उसकी वजह खालिस्तन खेल नहीं है. वैसे जेसन गिलेस्पी को ये कहने में कोई
उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि अगर वो कह देते कि उनको उनकी कारकर्दगी की वजह से हमने बाहर बैठाया है, तो वो कोई इतना बड़ा मतलब इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है, उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं है। इसी तरीके से हमने जैसा कल भी जिक्र किया है कि बाबर आजम और पाकिस्तान के ये तमाम उसके अलावा जो दो टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी कारकर्दगी की जो खराबी है वो सलाहियत उसका असल मसला नहीं है, उसका असल मसला कोई और है। और अगर आप उस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मजमूई तौर पर जो टीम की कारकर्दगी है और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो नतायज है खेल के पाकिस्तान के, वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये जो टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, कई बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके ऊपर वक्त और सरमाया खर्च कर रहा है, और अब इनसे जबकि दुनिया में इनका नाम है, लोग इनको जानते हैं, तो अब इनकी सलाहियतों से इस्तफादा करने का वक्त है, इनकी सलाहियतों से फायदा उठाने का वक्त है। वो कैसे उठाना है उसका फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनको ये करना चाहिए कि आपने आप इतने बरसों के बाद खिलाड़ियों को बैन अल-अक़वामी सतह पर लाकर अचानक से उनको गायब कर देना मसले का हल नहीं है। आपको प्लेयर्स मैनेजमेंट और मैन मैनेजमेंट जो है इसी चीज का नाम है, और अगर आपको उसी हवाले से काम करने की जरूरत है, मेरा भरपूर तरीके से ख्याल है और मेरा यकीन है इसके करीब तर यकीन के कि असल मसला सलाहियतों का नहीं है, और अगर सलाहियत किसी में मौजूद है और उसके बावजूद परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही हैं तो वो कुछ और चीजें हैं जिनको आपको देखने की और उन मसाइल को हल करने की जरूरत है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना भी वो मसले का हल नहीं है। मतलब एक शख्स अगर हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर सकता है तो वो किसी भी जगह पर परफॉर्म कर सकता है, और इन पांच टीमों में पाकिस्तान के किसी भी उस खिलाड़ी को सऊद शकील के अलावा रिजवान, बाबर, शाहीन, रिजवान और उनके साथ नसीम शाह चौथा, किसी भी ये जो पांच चैंपियंस कप में इनमें से सऊद के अलावा किसी को, ये जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, शान मसूद एक हो गए, बाबर दो हो गए, रिजवान तीन हो गए, शाहीन चार हो गए, इनमें से किसी को कप्तान इस चैंपियंस कप की किसी टीम का नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने खिलाड़ियों को तैयार करना है तो फिर आपने कप्तानों को तैयार करना है, फिर आपको नए खिलाड़ियों, नए जो लोग हैं जो आपने चार साल से जिन तीन साल की परफॉर्मेंसेज पर आप मुंतखब कर रहे हैं ना 150 खिलाड़ियों को, तो आप उन 150 खिलाड़ियों में से पांच कप्तान आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इसलिए आपको जो आपके असल मसाइल हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस तरफ जाने की जरूरत है। अगर आप उस तरफ नहीं जाएंगे तो ये बहस मुबाहिसा होता रहेगा। शाहीन को ड्रॉप किया है तो आपको ये कहना चाहिए कि कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप किया है, और आपको अपनी टीम के इन प्लेयर्स के मसाइल को हल करने की जरूरत है। सख्त फैसले अगर आपको करने की जरूरत है तो फिर आपको करने चाहिए, फिर आपको ये देखना नहीं चाहिए कि कौन कहां पर किस बुनियाद पर खड़ा हुआ है। दुनिया में प्लेयर्स, अभी उसने कल 3300 कर दिया जो रूट ने वहां पर, वो 12,000 से ज्यादा टेस्ट रन उसके हो गए हैं। तो दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं, उनके लिए टीम की कारकर्दगी और मैचेस जीतना सबसे ज्यादा अहम और उनका बुनियादी मकसद वही होता है। अगर उस मकसद में कहीं रुकावट आ रही है तो आपको उस मकसद को दूर करने की जरूरत है, और खिलाड़ियों को यकजा करके इनकी सलाहियतों से इस्तेफादा इस अंदाज में करना है कि ये पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें। ये कोई अगर किसी ने अपनी झोंपड़ी अलग बना ली है, कोई खैमा बस्ती अपनी अलग बनाकर बैठा हुआ है, किसी ने अपना एक अलग फ्लैट बना लिया है, तो कोई एक ही शॉट के ऊपर मशहूर हो जाता है, नो लुक शॉट हो गया है, फलां लुक शॉट हो गया है, तो ये तो मतलब अगर नो एक एक शॉट पे जब आप लोगों को इस तरह से बनाएंगे, और उसमें मीडिया का भी किरदार है कि जब आप शुरू हो जाते हैं लोग यहाँ पर एक नो लुक शॉट आ गया, वो बंदा पूछे नो लुक शॉट की अगर आप बात कर रहे हैं, एंड 96 में हमारे एक कप्तान थे, हमारे साल खेला करते थे अमजद साहब क्रिकेट, वो उस दौर में उन्होंने ना 6 छक्के मारे थे एक ओवर में हारून को। अब मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, 6 छक्के, ये नो लुक शॉट तो उस वक्त भी नो लुक शॉट थी, वो शॉट लगा के कीपर की तरफ देख के कहते थे 10 एनू किधर गया, एनू 10 किधर जा रहा गेंद, हर छक्के पे ये कहते हैं, सही बात, छक्का शॉट लगाया कीपर की तरफ देखना शुरू कर दिया, 10 एनू किधर जा रही गेंद। वो ये किस किस्म की क्रिकेट जो है पाकिस्तान में प्रोपोगेट हो रही है ना, तो ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, इसमें सबने अपना अपना इस बर्बादी में और तबाही में किरदार अदा किया है, किसी ने थोड़ा किया है, किसी ने ज्यादा किया है। वो खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए आता है, वो पूरे पाकिस्तान में शोर मच जाता है, वो नंगे पांव दौड़ रहा है, वो छतरी लेके खड़ा हो गया, वो भाईजान किस दुनिया में रहते हैं आप, कोई केक काट रहा है, कोई तोहफे लेके जा रहा है, कोई फूल पेश कर रहा है, वो खैर से गाली के शौकीन है आप प्रोफेशनल एथलीट हैं, आपको वैसे रिएक्ट करना है, आपके एक्शंस जो हैं वो वैसे होने चाहिए जैसे दुनिया में आपने हुक्मरानी करती हैं खेलों के मैदानों में। दुनिया में आपने पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करना है, उसके लिए आपको आंखें भी दिखाना पड़ती हैं,
ठीक है, यहाँ पर जो 6 साल से कंटेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है पाकिस्तान के लोगों को, उसमें कहीं दिखा दें तो क्रिकेट की अवेयरनेस का काम हो, को क्रिकेट की प्रमोशन का काम हो, ये तो दोस्त बनाने वाला काम हो रहा है और जबरदस्ती बनाने वाला काम हो रहा है। ठीक है, दुनिया में आप देखते हैं कोई और चीज आपको नजर आती है, वो रन्स बनाए जा रहे हैं, उनकी रन्स की, इंटरनेशनल रन्स की, विकेटों की वीडियोज आती हैं, इनकी क्या आती हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपना अपना जो मैन ऑफ द मैच की जो की इनामी रकम है वो किसी और को दे रहे हैं। ठीक है जी, अपना जो एक एक खरीदारी की है वो गिफ्ट किसी और को पेश कर रहे हैं, उसका क्या ताल्लुक है प्रोफेशनल क्रिकेट के साथ? अगर इन चीजों से आपके क्रिकेट का मायार बुलंद होना होता आज आप बांग्लादेश के खिलाफ हार ना रहे होते। साहब ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, ये तमाम चीजें सियासत में अच्छी लगती हैं, हुक्मरान आते हैं वो तोहफे तहाइफ बांटते हैं, गले मिलते हैं तो उसकी वीडियोस जारी होती हैं। आपने जो रूट की बात की है, पाकिस्तान ने इसके बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलना है, बांग्लादेश के साथ इस सिचुएशन जो हमारी हुई है जिस तरह से हमने शिकस्त हासिल की है, इसके बाद क्या हम इस काबिल हैं कि हम इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट में अपना आप मनवा सकते हैं किसी भी एंगल से? देखिए बात यह है कि इंग्लैंड के लिए एक टेस्ट जरूर है कि वो अब जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड उनके साथ नहीं होंगे, और एक तवील अरसे तक इन दोनों फास्ट बॉलर्स ने इंडिया इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाए रखा और अपनी टीम के लिए कामयाबियां हासिल करते रहे, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में अब मार्क वुड आएंगे, अब फिट रहते हैं उनके साथ, जोफ्रा आर्चर आएंगे फिट रहते हैं उनके साथ, बेन स्टोक्स आते हैं वो आएंगे उनके साथ, एटकिंसन आएंगे, तो उनके पास क्रिस वोक्स जो है वो आएंगे, तो ये देखना ये है कि वो किस हद तक उसकी कमी को पूरा करते हैं, उसके खला को पूरा करते हैं जो स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन का। हाफिज साहब वो कर लेंगे, वो तो आप उनको देखें वो कर लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो अगर बांग्लादेश सब कुछ कर सकता है इन पॉलिटिकल सिनेरियोस के बाद भी, इस मेंटल प्रेशर के बाद भी बांग्लादेश जो है वो डोमिनेंट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो ये जितने भी नाम आपने लिए ये तो बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। देखिए बिल्कुल वही है कि वो नहीं होंगे, ये क्या पाकिस्तान को उसका फायदा उठाने की सलाहियत जो कि है पाकिस्तान उठा पाता है या नहीं उठा पाता, और पाकिस्तान उस सीरीज को खेलता कैसे है, क्योंकि उसमें भी कुछ ज्यादा वक्त तो बाकी नहीं बचा ना। ठीक है, सितंबर शुरू होने को है, अक्टूबर के शुरू में पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और अगर आप उन टेस्ट मैचेस को देखें तो जो उनकी उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस को देख लें, जिस तरीके से वो क्रिकेट को अप्रोच करते हैं उसको देख लें, तो पाकिस्तान को तो उनकी अप्रोच के जरिए पाकिस्तान ने दबाव में आ जाना है। और जैसे कल बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट यही है कि आपने अपने वसाइल से बेहतर अंदाज में फायदा उठाना है। 99 के वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अब्दुल रजाक के साथ वन डाउन कर सकता है, उससे पहले अगर आप अर्ली 90s में देख लें सलीम यूसुफ का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, अब्दुल कादिर का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, एजाज अहमद का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये क्या है, यही मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, कि आपने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, पहले आपने अपने रिसोर्सेज जो है उनको अपने वसाइल जो है उनको बढ़ाना है, अपनी ताकत और कुवत को में काम करना है, और फिर आपने उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आपके पास कुछ हो ही ना तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर 5 कप्तानों की बात हो रही है, पाकिस्तान का क्या ये मसला है कि पाकिस्तान के पास निचली सतह के ऊपर हमने इन लोगों को कप्तान बनाना है, बाबर आजम को, और ये सोच पर फिर दाद देनी पड़ेगी ना। वो लोग चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोग उनकी तारीफें कर रहे होते हैं कि आपने जी बड़ा काम कर लिया, आपने उधर कर लिया, आपने उधर कर लिया, जो उनके दाएं बाएं बैठे होते हैं ठीक है उनके साथ भी लोग, कोई बंदा पूछे ये सारी की सारी जो खबरें आती हैं ये खिलाड़ियों की आती हैं, इन टॉप ऑफिशियल्स की क्यों नहीं आती हैं? और 2 साल में 4 साल में 5 साल में इन्होंने क्या किया? मोहसिन नकवी साहब तो अब आए हैं ना, इनसे पूछें जो लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं। और हाफिज साहब बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, मोहसिन साहब तो अब आए हैं, और मोहसिन साहब ने भी यही आके कहा है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन इमरान, जैसे इमरान सोहेल अगर मैं आपसे बात करूँ, हाफिज साहब ने अभी जैसे इंग्लैंड टेस्ट मैच की बात की, मुझे याद है जब आप सेट पर आए थे तो ऑफ स्क्रीन हमारी बात हो रही थी कि इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस हैं वो शिफ्ट हुए हैं, तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मैचेस कहाँ शिफ्ट हुए हैं, अब पिच क्या डिमांड करेगी, क्योंकि रावलपिंडी में जो टेस्ट मैचेस हुए हैं वो हमने देख लिए जी, बारिशें और प्रडिक्शंस नहीं देखी किसी ने, वेदर फोरकास्ट नहीं चेक किया, तो अब मैचेस कहाँ शिफ्ट हुए हैं और किस गेम प्लान के साथ पाकिस्तान को आना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए अब बांग्लादेश से हारने के बाद? देखिए अभी मेरा ख्याल है कि मुल्तान और फैसलाबाद दो ऐसे वेन्यू का इंतखाब किया है जिसके अंदर जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस होंगे, क्योंकि कराची और लाहौर में तो हो ही नहीं सकते, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और पिंडी में भी एक मैच होगा क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो एक मैच हमें पिंडी में भी खेलना है, और
माजद के साथ फैसलाबाद और पिंडी ये दोनों ऐसे वेन्यू हैं जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल टीमों को भी और ख़ास तौर पर ICC भी इसके बारे में बड़ा सीरियसली ये कह चुका है कि ये दोनों ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर जो पिचेस हैं वो टेस्ट क्रिकेट के मैार की नहीं है। और हमेशा से हमें फैसलाबाद की तो वो ऐसे पिच है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम काफ़ी यंग होते थे तो हमें एक टीम के फॉरनर टीम के प्लेयर ने आगे बोला था कि मेरी कबर जो है ना वो इसी पिच के अंदर खोद दें, फास्ट बॉलर थे तो कहा यहाँ से तो बॉल ही नहीं बाहर निकलता तो मुझे यहीं दफना देना, यहाँ तक कि उसने वेन्यू बोले अल्फाज बोले थे। तो ये इस तरह के वेन्यू हमारे पास अब बदकिस्मती है कि दो वेन्यू बिजी हैं तो यही वेन्यू एक बचता है। और जहाँ तक आपने बात की कि अब किस स्ट्रेटजी के साथ आना चाहिए, स्ट्रेटजी की बात वहाँ की जाती है जब आपके पास ऑप्शंस हों। अभी आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ये जो टूर्नामेंट फैसलाबाद में हो रहा है चैंपियंस कप उसके अंदर आपके पास शायद ऑप्शंस आ जाएं जब आप पांच टीमों के मुकाबले होंगे जिन मेंटोर्स को आपने रखा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेंटोर्स आपने रखे हैं 50-50 लाख मंथली बेसिस पे रखे हैं, 1.5 करोड़ की बात भी हो रही है ना, नहीं 1,66,000 रुपया पर डे एक मेंटोर को मिलेगा, मंथली बनेगा 50 लाख रुपया और ईयरली बनेगा 6 करोड़ रुपया। मतलब आपने 5 मेंटोर्स को कितने पैसे दिए एक साल के अंदर, 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ ये चला गया। और उसके बाद आप कितने पैसे फर्ज करें, एक टीम में 35 प्लेयर वो कह रहे हैं पूल रखेंगे 35 का, उसके साथ कोचिंग स्टाफ भी होगा, कुछ लोग और भी होंगे, तो 50 लोग हो जाएंगे। मैं मिनिमम कॉस्ट लगा लेता हूँ 2 लाख रुपया आप एक प्लेयर को मिनिमम कॉस्ट में दे रहे हैं 50 लोग, तो एक महीने का यहाँ पर 1 करोड़ ये चला गया, साल के कितने चले गए 12 करोड़। अब 5 टीमें हैं तो आप 75 करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कम अज कम 1.5 से 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है मेरा भी, ये 1.5 से 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट और सिर्फ 150 प्लेयर्स के ऊपर। अगर ये पैसा सिर्फ और सिर्फ वो क्लब्स जो पाकिस्तान में क्रिकेट करवाते हैं, बेसिक्स जहाँ से क्रिकेट शुरू होती है, अगर आप उन क्लब्स को आइडेंटिफाई करें और कहें यार ये क्लब अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर और उन्हें ये पैसा अगर दे दिया जाए जिसका वो रोना हमेशा से रोते आए हैं कि क्लबों को पैसा नहीं दिया जाता, क्लब जो चला रहा होता है वो अपनी जेब से पैसे खर्च रहा होता है। मुझे ये बताएं आप कोई क्लब जो बंदा चला रहा है उसके पास पैसे नहीं, वो क्या करेगा, अपने बिजनेस से निकाल के देगा ना। क्रिकेट बोर्ड भी पैसे नहीं दे रहा, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके पास भी पैसे नहीं आ रहे ना, उनके पास इक्विपमेंट है खेलने के लिए, बैट आपको पता है अच्छा बैट आज 50,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का बैट है। जब वो क्लब में जाते हैं तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि अपने बच्चों को हम 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है तो कहाँ से क्रिकेटर जाके बल्ला लेके खेलेगा, पैड लेके खेलेगा। बॉल्स की बात बता रहे थे, 1.5 लाख रुपए का ग्रेस का बॉल है, कोकोबोरा का बॉल है जिसकी हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, उन क्लब्स को पैसा क्यों नहीं दे रहा। आपको अगर 5-6 अरब रुपया एक साल का ICC से आता है और इस तरह के प्रोजेक्ट और सिर्फ 5 लोग आके आपसे 6 करोड़ रुपया ले जाए, मिसबा 50 लाख रुपए महीने में काम करेंगे, शोएब मलिक 50 लाख रुपए महीने में काम करेंगे, सकलैन काम करेंगे, सरफराज काम करेंगे, तो इन लोगों के पास क्या पैसा नहीं है क्या? ये लोग अगर इन्होंने सर्व ही करना है तो आप नीचे आके करें ना, नीचे बहुत सारी टीमें हैं, नीचे अब कहां जाएं फिर, स्कूलों में जाके सर्व करें, स्कूलों में नहीं, देखिए अंडर 17 हो गई है, अंडर 19 टीमों के साथ इनको लगाएं। कल शोएब मलिक से ये सवाल किया गया कि आपको पता है कि आपको 1,66,000 रुपये पर डे दिया जाएगा तो ये इतने पैसे आप ले रहे हैं तो आप क्या श्योरिटी देते इस बात की, और इतने ज़्यादा पैसे लेने के आपको ये समझ नहीं आ रही कि इतने ज़्यादा पैसे लेके आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बोझ बन रहे। तो उन्होंने आगे से कहा, फिर सवाफी ने ये भी कहा कि राहुल द्रविड़ को की मिसाल ले लें कि उन्होंने जूनियर टीम के साथ जाके काम किया और वहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस किए, तो शोएब मलिक ने उन सहाफ़ी को भी आगे से, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें कहा कि जनाब आप क्या सैलरी नहीं लेते हैं अपने चैनल के अंदर, तो मैं भी पैसों के लिए आ रहा हूँ और राहुल द्रविड़ तो बहुत पैसे लेता, तो कंपैरिजन किसके साथ शोएब मलिक कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ के साथ, राहुल द्रविड़ का और शोएब मलिक का बजाते कोच या मेंटोर कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपने आप को अगर उनके साथ खबरों में आकर खड़ा करना चाहते हैं कि वो उनके लेवल के हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया है तो उन्होंने इस बात को आई कंटिन्यू किया, देखिये तो वो उनका ना कंपैरिजन करते अपना और उनका, वो कहते नहीं राहुल द्रविड़ को क्यों अपने साथ कि वो पैसे लेते हैं, तो भाई आप ही 50 लाख महीना ले रहे हैं, अगर आपको आज 50 लाख रुपए से 25 लाख कर दे तो क्या शोएब मलिक आएंगे क्या? मिसबा को, मिसबा ने जो लास्ट जॉब छोड़ी थी वो 35 लाख रुपए पर मंथ वाली छोड़ी थी, आपको ये बताता चलूं, और अब उनको जो जॉब दी गई वो 50 लाख रुपए पर मंथ, क्या आपने इतने सिनेरियो के अंदर मिसबा को कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूशन करते देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखिए इमरान साहब जब वो कर रहे थे फिटनेस पर काम कर रहे थे उस वक्त इन्हीं खिलाड़ियों को मसाइल थे उनसे कि वो स्ट्रिक्ट बहुत हैं तो
फिर फिटनेस के बाद कंप्रोमाइज भी हुई है। चले जी, आप इतने ही बड़े कोच या मेंटोर हैं तो आपको इंटरनेशनल असाइनमेंट्स क्यों नहीं मिली? यार ये तो अब बोर्ड बता सकता है बेहतर कि वो अपने सोर्सेज को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं? हाफिज साहब, तमाम गुफ्तगु जो इमरान साहब ने की है उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि कजाफी स्टेडियम का के जो राइट्स थे नेम के, वो भी सोल्ड हो चुके हैं और तकरीबन 1 अरब रुपए के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के ये सेल हुए हैं। तो पाकिस्तान ने अभी कजाफी और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से इससे पहले नेशनल स्टेडियम कराची के राइट्स जो हैं वो 45 करोड़ में बेचे गए थे। तो ये भी एक अपडेट है। देखिए बात यह है कि हाफिज साहब एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इसमें सवाल ये बनता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी इतनी करीब है तो ये स्टेडियम्स के जो तमीर हो रही है, नाम बदलना, क्या ये एंड टाइम पर करना जरूरी था? देखिए इसका कोई, ये तो एक आपका स्पॉन्सरशिप का वायदा है ना, और आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, 1 अरब रुपए के या 10 अरब रुपए के, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप वायदा क्या करते हैं और आप उसका इस्तेमाल कैसे। आफिस साहब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। इससे फायदा उठाना और बात है, और स्टेडियम की जहाँ तक तामीर का काम है, ये एक और बहस है कि किस वक्त होना चाहिए थी, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी कि उसको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था तो हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि डेड लाइन जो है ना, मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैंने इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इसका जिक्र किया है कि मेरा ये ख्याल है कि डेड लाइन मीट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट के मसाइल हैं फेस, जिनका जिनका मेंटोर्स के तौर पर देखें, ये जो वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, शुएब मलिक, सरफराज अहमद आई हैं, सकलैन मुश्ताक, 1.5 लाख रुपए पर डे इनके लिए कोई बड़ी कीमत नहीं है, मुआवजा नहीं है कोई बहुत ज्यादा। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अगर ये खिलाड़ी किसी भी नशरियाती इदारे के साथ काम करें किसी इवेंट के दौरान, तो क्या ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेंगे? ठीक है, और उसमें ये सिर्फ उनके अपेयरेंस के पैसे होंगे, अब वार्डरोब की और उनकी अकोमोडेशन इसमें डालें तो वो इससे ज्यादा पैसे बन जाते हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों के लिए ये पैसे ज्यादा मानी नहीं रखते हैं, मतलब उनकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है जो वो लेते हैं। सही। सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है कि क्या इन मेंटोर से फायदा हो सकता है, और जिन लोगों ने ये ब्रीफ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, उनसे पूछा जाए कि आपने अगर 150 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनको आपने गुज़िश्ता 3 बरस की परफॉर्मेंसेस पर लेना है, तो जो लोग ये तवक्को करते हैं कि शायद इन इस कप कुछ देखा है, तो ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले। हाफिज साहब अपनी बात रिपीट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज में डिस्टॉर्शन है, तो प्लीज मुकम्मल बात दोहराइएगा। कनेक्शन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू है। बारिश की वजह से आवाज नहीं पहुंच रही है हमारे तक। अब आप देखें आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैच क्या ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था, लेकिन आवाज जो है वो इस वक्त आ चली है। इमरान आप क्या कहेंगे जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे थे कि ये पैसे कम नहीं, मतलब ये पैसों की वो वैल्यू नहीं है पर डे, अगर 1.5 लाख रुपए की बात करें, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डिसएग्री इस बात से करूँगा कि ये सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए पर डे दिखाई दे रहा है, क्या ये सारे के सारे 365 दिन अवेलेबल भी होंगे आपको? जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा तो आपको नहीं लगता कि शुएब मलिक ने अपनी सारी शरायत लिखी होंगी कि भाई जिस दिन मेरी कमेंट्री होगी या मैं किसी नशरियाती इदारे के साथ टच में आऊँगा तो मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा और मैं लीव कर जाऊँगा? और फिर आपको क्या लगता है कि शुएब मलिक सारा एक टूर्नामेंट के दौरान तो दिखाई देंगे, लेकिन जब टूर्नामेंट नहीं होगा, जब ट्रेनिंग सेशन हो रहे होंगे, जब रीहैब के सेशन हो रहे होंगे, जब उनकी मेंटोर का जब असल काम होता है वो आफ्टर द टूर्नामेंट होता है, तो क्या आपको लगता है कि शुएब मलिक वकार यूनुस वहां अवेलेबल होंगे? वकार यूनुस तो यहां रहते भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रेस किया, ये तमाम लोग नेशनल टीवी पर बैठते हैं, ये तमाम लोग इसमें सरफराज खेलते भी हैं, और इन्होंने अपनी इंटरनेशनल लीग, देखिए शुएब मलिक लीग्स के अंदर भी जाते हैं खेलने के लिए, तो क्या 365 दिन के लिए बाउंड किया गया? आप ये मत देखें कि 1,50,000 रुपये पर डे है, लेकिन ये देखें वो कितने दिन पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने पैसे पर डे के हिसाब से लेने आपसे, आपकी सैलरी वो डिसाइड कर दी गई है। ऐसे आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े क्रिकेटर्स को जिनका नाम है
उनको इसीलिए ये मेंटोरशिप दी गई है ताकि जो चैंपियंस कप है इवेंट जो है उसका थोड़ा सा हाइप बन जाए। हाइप माजरत के साथ, अगर आपने हाइप बनाने के लिए, टूर्नामेंट की हाइप बनाने के लिए आपने उनको इतना पैसा देना, तो फिर आप पहले दिन ही फ्लॉप हो गए। फिर आप क्वालिटी नहीं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप क्रिकेट की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपना ब्रांड बेच रहे हैं, तो पीएसएल तो है, उसको पहले बेचे ना आप। वो बेच रहे हैं, वहां से पैसे कमाए, यहाँ भी पैसे कमाने की पड़ गई। जिस बेताबी से हम लीग्स खेलते हैं, जिस बेताबी से हम तमाम लीग्स खेलते हैं, हमें इंतजार होता है कि हमारा नाम भी इस लीग के अंदर आए और हम खेलें, तो वहां से तो साफ जाहिर होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। कल मैं आपको ये बात बता दूं, आज आप ये बात याद रखिएगा कि जितने भी मेंटोर्स रखे गए हैं वो 365 दिन अवेलेबल नहीं होंगे। किसी ने फैसलाबाद में काम करना है, किसी ने लाहौर में करना है, किसी ने सियालकोट में करना है, किसी ने मुल्तान में करना है, तो हम तो जाके सर पे नहीं बैठेंगे ना, या आप जाके देखेंगे कि आज मेजबान ने हाजिरी लगाई है, आज टीम के साथ हैं। वो तो जो कोचिंग स्टाफ रखा है, काम तो उन्होंने करना है। वो एक रिपोर्ट दे दिया करेंगे ऑनलाइन शुएब मलिक को, वकार को, कि सर ये आज की रिपोर्ट है, इतने प्लेयरों ने ये परफॉर्म किया, ये हमारे पास डाटा आया, ये फिटनेस लेवल है, तो वो आपको गाइड कर दिया करेंगे। तो ये काम तो भाई आप किसी से भी ले सकते हैं, असल काम कोचेज ने करना। अब मुझे जो खबर ये आई है कि इनकी बकायदा ड्राफ्टिंग होगी, ये जो प्लेयर्स हैं शायद एक आधे दिन में ड्राफ्टिंग भी हो जाए, और इनके चुनाव का तरीकाकार, जो वकार यूनस से असली सवाल किया गया था कि चुनाव का तरीका क्या होगा, हाफिज साहब भी शायद उसके बाद जब वो बैठेंगे आपसे बात करेंगे। इन प्लेयर्स को 3 साल की परफॉर्मेंस की बिना पर जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। जो अंडर 19 प्लेयर आप खिला रहे हैं उनकी 3 साल की परफॉर्मेंस कहाँ से निकाल के लाएंगे? वो तो शायद एक प्लेयर अंडर 19 भी पहली दफा खेल रहा होगा। तो ये ट्रैपिंग है, आप बड़ा अच्छा सजा रहे हैं इस वेन्यू को और कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लेकिन माजिद के साथ लाइकिंग और डिसलाइकिंग इस सेटअप से नहीं खत्म होगी। जिस तरह वकार यूनिस के साथ लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो मामला जिस तरह से निकला और जिस तरह से उठा, वो स्टोरी भी आपको शायद अगर पूरी नहीं बता तो मैं अगर चाहें तो आपको बता सकता हूं कि जब वकार यूनिस साहब सीट पर बैठे तो जो 2 लोग थे उन्होंने जाकर सारी की सारी फाइलें उठाई और वकार यूनिस साहब के टेबल पर रख दी, को 150-200 फाइल। उन्होंने कहा जनाब ये पढ़ें और इन फाइल्स को क्लियर करें। हालांकि वकार यूनिस गो के इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन खतों किताबत करना उनकी महारत नहीं है, ये एक कोई ब्यूरोक्रेट ही कर सकता है। और डायरेक्टर डोमेस्टिक का ही काम था कि वो उन सारी फाइलों को पढ़ता और उनमें छानबीन करता। जब आपने वकार यूनिस के सर के ऊपर रख दी फाइलें जाकर, उन्होंने कहा यार मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरा ये काम ही नहीं। उसने कहा जनाब आप हमारे बॉस हैं। अब अंदाजा लगाएं कि वकार यूनिस एक वक्त में बॉस थे और अब वकार यूनिस जिस शख्स के साथ उनकी मुंह मारी उनके अंडर काम करेंगे, उसी शख्स के अंदर 50 लाख रुपए मंथली अंडर काम करेंगे। तो अंदाजा लगाएं कि अगर मैं वकार यूनिस की जगह पे होता तो मैं एज ए स्टार अपनी डिग्निटी देखता कि यार मैं पाकिस्तान टीम को सर्व कर चुका हूं, मैंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, मैं एक स्टार हूं। तो मैं एक 18 ग्रेड का ऑफिसर जो डेपुटेशन पर तैनात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसके अंडर काम करूंगा? तो फिर माजिद के साथ आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, आपको पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, आप एक कमिटमेंट, वरना ये सवाल होता कि वकार यूनिस साहब को भगा दिया गया है। वकार यूनिस साहब मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए क्रिकेट बोर्ड में बैठे कि ये लाइन कभी ना कोई कहे कि देखा नसाता सी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम चीज़ें छुपी या ढकी नहीं रहती हैं, इवेंचुअली सामने आ ही जाती हैं। मैं अभी देख रही थी कि बहुत सारे कमेंट्स भी आज शामिल हैं हमारे साथ और एक भी कमेंट जो है मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं, जो स्पेशली हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो तमाम लोग इस वक्त जो है वो तनकीद कर रहे हैं और ऐसी ऐसी तनकीद है कि शायद अगर मैं पढ़ूंगी तो यहाँ पर एक और ही बहस शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनका शुक्रिया, थोड़ी सी नरमी बरती है क्योंकि हम भी परेशान हैं, दिल तो हमारे भी बहुत अफसरदा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ हालात बेहतर हों, कि हम कम से कम खुद को इस काबिल समझें कि हम खेल सकते हैं। हम सामने जाएंगे तो सामने वाला शख्स किसी स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगा, ना कि ये कि इनके खिलाफ तो स्ट्रैटेजी बनाने की भी जरूरत नहीं है। खैर इमरान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाफिज़ साहब के साथ हम बहुत ज़्यादा बात कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे 4 PM। तब तक के लिए राबिया और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।